नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किमी फ्रॉम ब्राइट स्किल्स विद किमी चैनल से, और एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सो गाइस, आज मैंने ये कनेर की जो कटिंग है मेरी, ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने कनेर की कटिंग ली हुई है, सामने आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। और गाइस, पिछले एक हफ्ते से मैंने इसको पानी में रख रखा है गाइस। अब क्या है गाइस, इसका रूटिंग जो है, रूटिंग हो चुकी है इसकी, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी पूरा प्रोसेस कैसे करना है। अभी मैं आपको पहले रिजल्ट दिखा रही हूँ मेरा, एक सेकेंड रुकिए, शायद आपको अभी दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा, फ्लैश ऑन करके ट्राई करती हूँ गाइस, थोड़ा शाम देर से हो गई है, एक सेकेंड। ये देखिए गाइस, यहाँ पर आपको ये देखिए, ये रूट सब आपको दिख रही होंगी, ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें हल्की हल्की ये उठी उठी सी रूट्स आपको दिख रही होंगी। और ये देखिए यहाँ पर चारों तरफ आ रही है, आप देख सकते हैं चारों तरफ उठ उठ के आपको दिख रही होंगी रूट्स इसमें। सो गाइस, ये सिर्फ एक बार के पानी की रूट्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये एक बार के पानी की। एक सेकेंड, मेरा जो कैमरा है एक हाथ में रहता है तो कभी जूम हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट गाइस। चलिए कोई बात नहीं। तो गाइस, इस तरह से जो हमारी रूट्स हैं वो इसमें बन गई हैं। सो दोस्तों, ये जो मैंने पानी है, सबसे पहले मैं बता दूं, पानी में आपको कुछ मिक्स नहीं करना है, नॉर्मल वाटर लेना है, आरओ का पानी नहीं लेना है, क्योंकि आरओ के पानी में सारे न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं। वैसे आप नहीं भी लेंगे, नहीं लेंगे मैं जानती हूँ, बट गाइस लेना नहीं है, हो सकता है आप ले लें तो इसलिए मैं बता रही हूँ। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको एक ये स्टेम लेनी है, जिसे कि आपको नीचे से, कभी हमने ध्यान दिया हो तो पहले के टाइम में लोग पतंग बनाने के लिए छीलते थे और चिकना बनाते थे लकड़ी को, आप लोगों को याद होगा। तो वैसे ही आपको नीचे से गाइस रूट्स को, रूट्स की साइड जहाँ पे रूट्स आएंगी वहाँ से पत्ते हटा के, और उसके बाद नीचे से हल्का हल्का छीलना है गाइस, इसको छीलना है। फिर उसके बाद उसे फंगस पाउडर में डिबो के और फिर पानी में रख देना है, पानी में आपको रख देना है। पानी फिर आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है इसका, बिल्कुल भी चेंज मत कीजिए पानी को। उसके बाद आप लोगों को ये रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा 1 से 1.5 हफ्ते के बाद, 1 से 1.5 हफ्ते के बाद आपको गारंटेड रिज़ल्ट मिलेगा, और ये छोटी छोटी रूट्स नज़र आने लगेंगी। बट बस ये बात है कि आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि रूट्स जो हैं वो एक बार के पानी में थोड़ी सी कम कम आती हैं, लेकिन इसमें आ चुकी हैं हमारी रूट्स, अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया। तो दोस्तों, इस तरह से आपको इसकी रूट्स को कर लेना है। जब आपकी इतनी रूट्स हो जाएं, तो इसका मतलब आपका जो प्लांट है वो रेडी है इसके ट्रांसप्लांट के लिए, मिट्टी के ट्रांसप्लांट के लिए गाइस, सॉइल में लगाने के लिए। अब आप अपनी नॉर्मल वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाएं इस तरह से, और जो भी प्लांटर आपके पास हो, अगर आपके पास प्लांटर है तो भी ठीक है, और अगर आपके पास गाइस सॉइल है और मतलब और आपके पास कोई प्लांटर नहीं है, तो आप इस तरह से पैकेट्स यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, पैकेट्स इस तरह से आप यूज़ करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं सामने, और इस तरह से आपको इसमें सॉइल भर लेनी है। अब गाइस मैं क्या करूँगी कि इसमें थोड़ी सी सॉइल बढ़ा देती हूँ। सो गाइस ये देखिए, इस तरह से मैं पैकेट लूँगी, और इसमें किसी चाकू या फिर पेन, पेन भी ले सकते हैं आप, पेन की मदद से इसमें ऐसे करके होल करूँगी। और आपको सॉइल में कुछ नहीं लेना है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स वैसे ही नहीं लेने, वैसे ही लेना है जैसे आप नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स अपने लेते हैं बाकी प्लांटर में, जैसे मैं बताती हूँ, एक एक भाग सब कुछ ले लीजिए। सब कुछ से गाइस मेरा मतलब है कि आप लोग हर चीज़ का भाग एक एक ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट हो तो आप वो एक भाग ले सकते हैं, एक भाग मतलब सब कुछ इक्वल मात्रा में। मैं आपको हर चीज़ गाइस डिटेल में बताती हूँ, जिससे आप बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। अब इस तरह से मैंने इसको अंदर कर दिया, जैसे कि एक लकड़ी को अंदर लगा दिया, और इस तरह से ऊपर इस तरह करके दबा दिया गाइस। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर हल्की हल्की सॉइल और मेनटेन करूँगी, क्योंकि मेरी जो सॉइल है वो नीचे बैठ जाएगी गाइस। अब ऐसे करूँगी और इसमें ऐसे और सॉइल डालूँगी, ये देखिए। मैं दूसरे पैकेट से इस वक्त निकाल लेती हूँ, मेरे पास बाकी की सॉइल अवेलेबल नहीं है, तो अभी मैं ये काम कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा ये पैकेट रेडी है। अब कुछ गाइस एक आध महीने में ही, और ये जो प्लांट है
अच्छी तरह से बहुत बुशी हो जाएगा और बिल्कुल प्लांटर में लगाने लायक हो जाएगा एक आध महीने में ही। पहले ये अपनी रूट्स को इसके सॉइल के न्यूट्रिशन से गेन करेगा, सारी रूट्स इसमें अच्छी तरह से आएंगी। उसके बाद गाइस जो भी रूट्स के पोर्स हैं सारे खुलेंगे और फिर ये लीव्स यहाँ पर आएंगी, लीव के पोर्स खुलेंगे और फिर ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा, आपका प्लांट रेडी है। कनेर का गाइस मुझसे एक कमेंटर ने पूछा था, इसलिए मैंने कनेर पे बनाया है। और क्योंकि कनेर की जो कलम है उसे लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है, और इसीलिए यही टेक्निक इसके लिए बेटर है। सो गाइस अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो गाइस आई होप आप लोग लाइक करेंगे और कमेंट भी कीजिए। गाइस कमेंट में मुझे सजेशंस दीजिए और गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको मैं इस कनेर का एक महीने बाद अपडेट ज़रूर दे सकूँ। सो गाइस बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।